भिलाई नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। प्रेम प्रकाश पांडे ने नामांकन के दौरान अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मौजूदा विधायक और भिलाई नगर से कांग्रेस प्रत्याशी देविन यादव पर जमकर निशाना साधा। प्रेम प्रकाश पांडे ने ईडी की चार्जशीट का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक ने 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, आखिर कहाँ से आया इतना पैसा। देखिए, भिलाई में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं और नशा एवं अपराध का दर, जिस भिलाई की पहचान आईआईटी के कारण होती थी, आज महादेव आईडी के कारण पहली बार कोई विधायक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हो, ये भिलाई के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन भिलाई के इतिहास में भिलाई के जनप्रतिनिधि पर कोयला घोटाले में एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है, ऐसा आरोपी है। और मुझे लगता इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन आशीर्वाद और प्यार। आज पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति है और दुर्ग संभाग में भी होगा, इसका प्रमाण है कि लोकसभा में हम लोग विधानसभा में हारने के बाद भी 4 लाख से जीते। नहीं, कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन है, उस बेचारे पर 47 लाख का आरोप था, ये युवा है 3 करोड़ का आरोप है। कांग्रेस को लगा कि इसमें भ्रष्टाचार करने का प्रतिभा है, पोटेंशियल है, ये आगे उस परंपरा को कायम कर सकता है कि जहाँ गमले में गोभी के फूल लगते हैं।